लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, खरीदारों और पत्रकारों, हमारे नए संग्रह के अनावरण पर स्वागत है आपका। ये श्रेणी आर्ट के बाद के लिए बनाई गई है। इसकी सुंदरता और शैली चौंका देगी आपको। रेड कारपेट और जादू के बारे में सोचिए और ध्यान दीजिए इन एंट्रीज पर। फैशन का चेहरा बदलने वाला है। मैं उसके लिए 20,000 लूंगी। मैं 40 परिधान के 5,000 लूंगी। थैंक यू। एक्चुअली मैं 192 के 3,000 लूंगा। हेलो पीपल, ऑर्डर के लिए थैंक यू। अगले सीजन में फिर मिलेंगे। मिलते हैं फिर। हाँ हाँ, सचमुच। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, ladies. Yes, yes, yes. Splendid. बहुत अच्छे मेरे प्यारे दोस्त. Thank you. मैं आप सबको मिलाना चाहूंगा अपने इंडिया के बिजनेस पार्टनर से, जिनकी मदद से ये एम्पायर खड़ा हुआ है. वाह. Ladies and gentlemen, मिलिए श्री ओम सूरी से. Thank you. मिस्टर सूरी, आपको कैसा लग रहा है इस फैशन शो का हिस्सा बनकर? Well, हिंदुस्तानी या ब्रिटिशर होने से फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपकी मानसिकता है जो इतिहास का हिस्सा। एकदम सही। और ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है एक सफलता की कहानी का हिस्सा बनना। और लॉर्ड विलियम मेरे लिए एक परिवार जैसे, मेरे फैशन व्यवसाय के लिए उन्होंने मुझे हमेशा प्रोत्साहित किया, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और इस खास मौके पर मैं सूजन बेडफोर्ड को आप सभी से मिलवाना चाहूंगा, ये सब उन्होंने डिजाइन किया, इनके लिए तालियां हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया ओजी, मुझे बहुत गर्व होता है आफ्टर शॉक जैसी कंपनी का हिस्सा बन के। थैंक यू। कंपनी जो नई प्रतिभा को उजागर करती है, आखिरकार ये मेरी पहली प्रस्तुति है और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी जितना मुझे मजा आया इसे करने में। शुक्रिया, शुक्रिया। हे क्रिस, सब ठीक है? बॉस, खरीदारी से बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं हमें। यू आर राइट सर, शी इज गुड। हेलो। हेलो, ये चार्ल्स लीड बेटर हैं। Nice meeting you. My pleasure. ये यूनाइटेड स्टेट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का काम संभालना चाहते हैं। Oh, really? Thank you.
तुम अगले हफ्ते न्यूयॉर्क जा सकते हो क्या? ओ हाँ जरूर, हम वहीं मिलेंगे। तो फिर हम लोग न्यूयॉर्क में मिलते हैं। थैंक यू। हमें न्यूयॉर्क में सूर्या से मिलने का भी मौका मिलेगा। ये बताओ ये लड़का कैसा है? ओ वो अच्छा है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आप दिलचस्पी लेते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है जो इंसान दिलचस्पी लेता है वो काम में भी बहुत अच्छा होता है। ओ या श्योर। वैसे ये बताइए आपकी पत्नी कहाँ है? ओ आला मेलू, मुझे शो बहुत पसंद आया। नमस्ते। मैं अच्छा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, कैसे हैं आप? आप बताइए आला मेलू का मतलब क्या है? आला मेलू मतलब भारतीय देवी। आला मेलू मतलब भारतीय देवी। अच्छा ऐसा है? भारतीय सभ्यता का प्रतीक। मेरी भारतीय बहन। ये बहुत दिलचस्प हैं। आइए इनके बारे में। आला मेलू बताओ तुम कहाँ थी? तुमने शो देखा या नहीं? देखा। थैंक यू। पता है खरीदार बहुत खुश थे। थैंक यू माय डियर। उन्हें वो डिजाइन अच्छे लगे, उन्होंने फौरन पसंद कर लिया। अच्छा? लेकिन तुम कहाँ थी, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। आपने कहाँ देखा? थैंक्स। जाने दो, सूर्य का फोन आया था एयरपोर्ट से, वो अपने एक दोस्त को लेकर आ रहा है साशकल न्यूयॉर्क से। एक बात बताओ आला मेरू, वो कुछ महीने पहले यहाँ छुट्टियाँ मनाने आया था ना? ओएस, वो सर्दियों का विराम था, ये बस एक हफ्ते के लिए है। उसने कहा हमें उसे बहुत जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे उस बेटे के पैसे खत्म हो गए होंगे, पर उसे मुझे फोन करना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं किया। समझ में नहीं आता उसने फोन मुझे क्यों नहीं किया। Why is that boy Surya coming now? और वो भी सिर्फ 7 दिनों के लिए? ये लड़का किसी काम का नहीं है। तुम्हारे प्यार ने उसे बिगाड़ दिया, तुम्हारे प्यार ने। जाओ। Make me some coffee, please. Damn it. पता है मैं क्या सोच रहा था? शायद उसे ब्रेक की जरूरत है। इस बार वो किसके साथ आ रहा है? साशा। साशा? कुछ लड़कों के नाम लड़कियों जैसे होते हैं। लगता है जैसे लड़की है साशा। नहीं, वो लड़की ही है। एक्सक्यूज मी, आज सन सूर्या इज कमिंग विद अ गर्ल। कोई वैश्य या आवारा? जी, ओस, कितनी गंदी बातें सोच रहे हो। वो लड़की को सिर्फ लंदन दिखाने के लिए ला रहा है। नो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे तो कुछ, वो दोनों सीरियस हैं और तुम्हें सब कुछ पता था लेकिन मुझे नहीं बताया। ए भगवान, तुम भी ना, तुम हर चीज को बहुत ज्यादा ही सोचते हो। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो स्पैनिश है, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कैसी लगती है। अगर तुम्हारे बेटे ने उसे शादी कर ली ना तो वो जल्दी उस पर मुकदमा भी कर देगी। मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है, और वैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि स्पैनिश तलाक का कानून अनुमति दे। कर लो गल। मैं यहाँ शादी अलाउ नहीं कर रहा हूँ और तुम डिवोर्स की बात कर रही हो। इस बारे में सोच ही लो, ये हमारे लिए ही अच्छा होगा। मेरे बेटे को ये तो नहीं सोचना पड़ेगा कि वो पंजाबी से शादी करे या साउथ इंडियन से। मेरा बेटा हमेशा मेरा बेटा। ठीक है, हमारा बेटा। मेरा सूर्या इतना बेवकूफ नहीं है और वो हमेशा अपनी माँ की सुनता है। अच्छा पहले लड़की देख लेते हैं, मैं लोगों को पहचानने में इतनी अच्छी नहीं। ओ तुम बोले तो नहीं ना कि हम कल घर में बारबेक्यू करने वाले हैं? तो सूर्या आ रहा है, उसे लेने के लिए एयरपोर्ट कौन जाएगा? अगर वो अपने आप लड़की पसंद कर सकता है तो उसे घर का रास्ता तो जरूर पता होगा। Anyway, I have some work to do. I'll see you later. Good morning, sir. Morning. सर एक्चुअली वो सुजैन बेडफोर्ड, उसका दिमाग खराब हो गया है, अजीब सा बिहेव कर रही है। मैं माइकल को बुला सकता हूँ डिजाइन करने के लिए, वो बहुत That's अच्छा nice. डिजाइन करता है, उसकी डिजाइन वाकई बहुत सॉलिड है। एनीवे जल्दी काम खत्म करो, जल्दी, तुम लोग बहुत टाइम लगाते हो। मैं कर लूंगा। ठीक है सर। हे सुजैन, व्हाट्स अप? हे ओएस, प्लीज आओ और देखो ये सारे नए डिजाइंस, क्या लगता है? ग्रेट सुजैन, तो वैसे ही कमाल हो। आज मैं थोड़ा थक गया हूँ तो ये सब काम हम कल करें प्लीज। उस ऑर्डर का क्या? मुझे भी अब तक ऑर्डर नहीं मिला। हाय गाइस। हाय मिस्टर रोविस, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारा सीजन का कंसाइनमेंट समय पे होना चाहिए। देखिए हमारा ऑर्डर जल्दी डिस्पैच कीजिए। मेरे ऑर्डर्स प्रायर है, मुझे पहले चाहिए, जापान वेट नहीं कर सकता। लुक गाइस, जो ऑर्डर मिले हैं वही पूरा नहीं कर पा रहे, हम ओवरबुक्ड हो चुके हैं। देखो मैं बहुत तनाव में हूँ, आप लोगों ने अपने एडवांस दे दी। क्या तुम ये सब सुलझा सकते हो प्लीज? धन्यवाद साथियों, मुझे लगता है मुझे कुछ कहना चाहिए। साथियों प्लीज आप लोग क्रिस से मिलिए, वह जरूर मदद करेगा। सब कुछ सॉल्व कर देगा, उससे मिलिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, बाय 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 बाय। क्रिस से मिल लेना। बाय। तुम ठीक हो ना? ठीक हो ना तुम? हाँ हाँ मैं ठीक हुआ है, थैंक यू। मैं तुम्हारे साथ बहुत समय से हूँ, तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम तो ऐसा कभी नहीं करते। कुछ तो गलत हुआ है कल रात को, लॉर्ड विलियम उसने no, कुछ नो no, नो no, बात वो नहीं है, बात यह है कि सूर्या यहाँ आने वाला है। ये तो बहुत अच्छी खबर है, तुम खुश नहीं हो? मैं खुश हूँ, लेकिन बात यह है कि वो एक लड़की के साथ आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। वो लड़की स्पेनिश है और वो उसके लिए बहुत सीरियस है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ऐसा तो हर जगह हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अभी आलू मेलू जैसी बात कर रही हो। हेलो, ओ आलू मेलू,
बारबेक्यू? मेरे पास यहाँ पे कुछ कॉर्न्स हैं और मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टेक भी हैं और साथ में है कबाब और चिकन टिक्का। बस मुझे सिर्फ दो मिनट दो, मैं आग जलाता हूँ। वड़कम वड़कम, स्वागत है स्वागत है स्वागत है। वड़कम वड़कम, नमस्ते नमस्ते, आप बहुत अच्छी पार्टी, देखो देखो, नमस्ते नमस्ते, आलमेलो आलमेलो आलमेलो। नमस्ते आलमेलो, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम कल के लिए तैयार होने वाली हो? हाँ, मुझे न्यूयॉर्क जाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रही है डांस कोर्स के लिए। क्या सूर्या मेरी मदद करेगा? हाँ जरूर करेगा, मुझे कार्यक्रम के लिए मिल रहा है। अम्मा आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अंकल कहाँ है? अंकल, दिस इज कॉटेज चीज कॉल्ड पनीर, एंजॉय। वंडरफुल, थैंक यू। अंकल जी, सूर्या कब तक आएगा? ओए अमरजीत, बड़ी खूबसूरत लग रही है पुत्र, और तुम सूर्य के बारे में क्यों पूछ रहे हो प्लीज? कुछ नहीं, ऐसे ही, वो मेरे जैसा ही है। Really? What's that? हमें डाक टिकट जमा करना बहुत पसंद है। डाक टिकट? सुनो, ये डाक टिकटों के बारे में भूल जाओ, सूर्या से मिलो, उसे बाहर लेकर जाओ, आखिरकार तुम पंजाबी हो और मैं भी पंजाबी हूँ। अंकल जी आप कितना समझते हैं, आंटी जी बहुत खुश नसीब हैं जो उन्हें आप जैसे पति मिले। लो पनीर खाओ। थैंक यू। अम्मा देखो वो रहा सूर्या। बहुत अच्छे, काफी शानदार है। वेल, उम्मीद है आपको ये कबाब पसंद आए होंगे क्योंकि ये मैंने खुद बनाए। आदमी लोग पागल मत बनो विद्या, अपनी बेटी को समझाओ कि ये शादी नहीं टिक सकती। याद रखो ये तमिल है और वो पंजाबी है। आलमेलु, तुमने इसमें क्या देखा? संतानम क्या बुरा था? तुम अपना कल्चर क्यों बदल रही हो? एक पक्षी का मछली से विवाह हो सकता है? तुम कहाँ रहोगी, हवा में या समंदर में? भूल जाओ उन्हें, उनके बच्चे कौन सी रीति रिवाज को मानेंगे? आलमेलु, मुझे पता है सूरज उतने आमिर नहीं है, ये सूरज के नीचे रहने जैसा होगा। वो नालायक लड़का कपड़ों का व्यापारी है, बिल्कुल हमारे धोबी के जैसा। तुम परिवार को कैसे बढ़ाओगी, हम बूढ़े हो रहे हैं। और तुम्हारा बच्चा, तुम उसे क्या सबक दोगी? याद रखना आलमेलु, तुम्हारा बच्चा भी जिद्दी बनेगा, वो भी बाहर ही शादी करेगा, फिर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम कहाँ जाओगी? सूर्या कोई सफेद चमड़ी वाली लड़की को ढूंढ लेगा, उसके बाद ना पति ना बच्चा। मम्मा, यो मेरा सूर्या। कुछ आ रहा, अच्छा है। आप कैसी हैं मम्मा? मैं ठीक हूँ, तुम्हें पढ़ाई के लिए इतना दूर क्यों जाना पड़ा? तो जाना पड़ेगा ना मम्मा, लेकिन अभी तो आ गया हूँ। इससे बात कर। सूर्या, मैं इस महीने न्यूयॉर्क जा रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं मदद करूँगी। मैं सूर्या के साथ आई हूँ। बेशक, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं आन हूँ, मुझे भी अच्छा लगा। मिलवाती हूँ। हाँ, बिल्कुल। मम्मा, साशा से मिलवाता हूँ तुम्हें। कहाँ चली गई है? मैं क्या बादशाह, तुसे चखो तो सही यार, कम से कम इसे चखना, और बहुत बहुत शुक्रिया। यस, व्हाट कैन आई डू? हाय, हे, दैट्स अ वेरी प्रिटी गर्ल। उम्मीद है सूर्या को भी ऐसी लड़की मिल जाए। सूर्या के पापा है। हाय, मैं साशा हूँ। हेलो साशा, तुम ही हो साशा? भाभी जी, कॉफी। एक्चुअली मेरा पूरा नाम है सिसिलिया रोनाल्डो, मेरे फ्रेंड्स मुझे साशा बुलाते हैं, हम कॉलेज में साथ पढ़ते हैं। इसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं और पिताजी की गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट ऑफिसर, स्पेन में उनकी काफी इज्जत है। मैं पहले कभी लंदन नहीं आई, ये मेरी पहली ट्रिप है।
ये थोड़ी ज्यादा बात करती है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। वो बारबेक्यू पार्टी बहुत अच्छी थी, बहुत सारे लोग थे। आप काफी अमीर लग रहे हैं। इंडियन सेलिब्रेशंस मुझे बहुत पसंद है। एक बार हम गए थे नवरात्रि। हाँ, हम पहली बार लाइब्रेरी में मिले थे। 45,000 बुक्स, कुछ बहुत एंशिएंट स्क्रिप्ट्स। मुझे हमेशा से भारत में इंटरेस्ट था। मैंने इंडियन कल्चर पर एक पेपर भी लिखा है। हाँ, इसे पसंद है। डाक टिकट इकट्ठा करना, म्यूजिक और खाना भी अच्छा बनाती है। मुझे इंडियन साड़ी बहुत पसंद है। ग्रेट रैप स्टोरीज। आप दोनों इसके बारे में कुछ कहेंगे या फिर ऐसे ही घूरते रहेंगे? हम शादी करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के तुरंत बाद। हम आपके ब्लेसिंग लेने आए हैं। हम यहाँ एक हफ्ते के लिए हैं। मेरे डैड ने कहा कि हम शादी कर सकते हैं मैड्रिड में, ट्रेडिशनल शादी। उसमें बहुत मजा आएगा। ऑरेंज ब्लॉसम्स। सूर्या को मुझे 13 सिक्के देने होंगे छोटे से बैग में। ये उसका कमिटमेंट दिखाने का तरीका होगा। और माँ, आपको सूर्या को अपने साथ लाना होगा, और आपको एक पनीता भी पहनना होगा, और वो भी एक वेल के साथ। बहुत मजा आएगा। पता है, आप गाउन भी पहन सकेंगी। इट्स वेरी सेंसुअस। सॉरी। मेरे डैड को सूर्या बहुत पसंद है। सूर्या ने उन्हें सांबर बनाना भी सिखाया। पहली बार जब माँ ने चखा तो उन्होंने थूक दिया। बहुत फनी था ये। सूर्या उन्हें कंफर्टेबल कर रहा था। ऑफ कोर्स डैड ने पूरा खाया। वाइन पीने के बाद कुछ पता कहाँ चलता है। साशा। ठीक है, ठीक है। आप ठीक है माँ? आप पेट से तो नहीं है, है क्या? अयो माँ। ये सांभर है? पता है, सूर्या ने इंडियन कुकिंग बुक लाई है। मैं भी सांभर बना सकती हूँ। और मैंने क्या पढ़ा था, क्या कहते हैं, सांभर के साथ, सांबर के साथ, सांबर के साथ, सांबर के साथ रसम। माँ के हाथों का बना रसम। उसने कहा उसे रसम पसंद है, जैसा आप बनाती हैं। आपके पास यहाँ साल्सा है। ये बहुत बुरा स्पेनिश सॉस है। आपने कभी सांबर में साल्सा डालकर देखा है? मैं दिखाती हूँ। About that time, move with my body, leave the past behind. Take it to the top, then we watch a little bit. I know you like the way I grind just a little bit. And you know I'll drive you crazy. When I move these hips, you'll be my baby. Don't try to front, cause I'm just too hot. I'ma keep on going till this record stops. Oh. Mm-hmm.
body on the block. Wind your body up, wind your body up. अलमेलू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। I'm sorry. सुनो, सुनो आलू, हम इन हालात को कैसे संभालें? प्लीज कुछ तो। क्यों? तुम तो सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे थे, वो कमी नहीं विदेशी। वाहे गुरु, तुम इस वक्त पूजा कर रही हो और ये सब बोल रही हो। आलू मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। ओके, तुम मुझसे गुस्सा हो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन साशा से क्यों? उससे नाराज क्यों? कम ऑन, तुमने तो कहा था कि हमें खुले विचार रखने चाहिए, हमें देखना चाहिए वो कैसी लड़की है, तो हमने बस वही किया, हमने उसे देख लिया ना। आलू मेरे, आर यू जेलस? उससे डर लग रहा है? वो एक छोटी सी मासूम लड़की है। अरे की मुसीबत है यार। याद है तुम्हें ने कहा था कि क्या हुआ अगर वो स्पेनिश है? अरे तुम तमिलियन हो, मैं पंजाबी हूँ, शायद हमारे ग्रैंड पेरेंट्स चाइनीज हो। तुम्हें मजाकिया नहीं लगा? मुझे लगता मैं ही बेवकूफ हूँ। सही कहा, काश मुझे ये बात शादी से पहले पता चलती। शुरू हो गए, फिर से शुरू हो गए, हमेशा पुरानी बात लेके बैठ जाती हो तुम। ठीक है आलू मेलू, मैं मानता हूँ कि हमारे मुंह पर तमाचा मारा गया है, लेकिन वो उससे सच्चा प्यार करती है। माना वो थोड़ी बड़बोली है, लेकिन वो अभी बहुत छोटी है, हमें उसे मौका देना चाहिए। मौका? मौके के बारे में तो बात ही मत करना। तुम्हारे परिवार ने कभी मुझे मौका दिया? इन्होंने मुझे मौका दिया, इन्होंने मुझे मेरा बेटा दिया, इन्होंने मुझे मेरा सूर्या दिया, और मैं उसे ऐसे ही किसी के पास नहीं जाने दूंगी, ऐसे तो कभी भी नहीं। अरे दो दिन पहले तुम कितनी एक्साइटेड थी, तुमने कहा था कि अगर वो उसे प्यार करती तो उनकी शादी कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये भी कहा था कि पहले मैं देखूंगी कि लड़की कैसी है, फिर फैसला करूंगी। तो? हाँ तो मैं लोगों को अच्छे से पहचान सकती हूँ, मुझे पता है वो लड़की मेरे बेटे को चीनने आई है, मुझसे दूर ले जाने के लिए आई है। हाँ, और तुम हो जिसने अपना रंग बदलाया हो इस। कैसे 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 तुमने उसे क्या कहा था? हाँ, तुमने उसे हुकर कहा था। अरे मैंने उसको हुकर किसी और बात के लिए कहा था, इस बात के लिए नहीं। तुमने क्या बेहुदा बात लगा रखी, तुमने क्या बेहुदा बात कर दी। दिल कुछ कर दिया, लेकिन मैं उसे दोष नहीं दूंगी। तुम ही हो जिसे गोरी चमड़ी से दिक्कत थी। अरे प्लीज अभी ऐसा कहना बंद करो, तुम अपने प्रेयर्स करो। प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी, तुम अपने प्रेयर्स करो, मैं जाता हूं यहां से। सॉरी। ओम वासुदेवाय नमः, ओम मीनाक्षीय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वेंकटेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। साशा, अयो तुम मेरे किचन में क्या कर रही हो, और तुम उसे अपने मुंह में क्यों डाल रही हो? मैं पता ये क्यों बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है? हाँ भाभी जी, सॉरी सॉरी। साशा, क्यों किया तुमने ये सब? मीनाक्षी, इसकी मेरी रसोई में आने की हिम्मत कैसे हुई? कुछ तो बोलो प्लीज। मामा, क्या हो रहा है यहाँ पे? आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? शोर मचा रहे हैं? तुमको पता है आज हमारे लिए कितना पवित्र दिन है, और तुम्हारी सफेद चमड़ी वाली स्पेनिश मॉडल ने मेरा पायसम खराब कर दिया। तुम्हें पता है मैंने ये पायसम क्यों बनाया था? तुम्हारी भलाई के लिए। और ये गंदी, ये अभी तक नहाई भी नहीं है, इसने मेरे पायसम में उंगली डाल दी। तुम्हें लगता है ये प्रसाद दे सकते हैं? ची ची ची, दूर दूर, ये अभी तक नहाई भी नहीं। मैंने भगवान की पूजा कर ली सूर्या, और मुझे माँ मत कहो। माँ, मैंने सुबह ही नहा लिया था, मैंने अपने बाल भी धोए क्योंकि सूर्या ने बताया कि आज पूजा का दिन है। बहुत अच्छे मेरे बच्चे,
तुम अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हो। इस लड़की को मेरे घर के तौर तरीके सिखा रहे हो, बहुत अच्छे। तुम्हें थोड़ा पाई समझाइए क्या? हाँ। मैं देती हूँ। हाँ। अपना हाथ आगे करो। हाथ आगे करो। लो और दौड़ा मत खाना, तू रोका लो। एक दिन में एक ही काम करते हैं साशा। मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो कॉफी पीते हैं हम लोग। मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। हे सूर्या, कैसा है ब्रो? हे पीटर, क्या चल रहा है? मैं बढ़िया हूँ यार, चल ना आज कॉफी पीते हैं। हे कैसा है? कैसे हो मेरे दोस्त? मैं बढ़िया यार, ये कौन है? ये साशा है, ये मेरे साथ यूएस से आई है। हाय, नाइस टू मीट यू। मेरे स्कूल का पुराना दोस्त। यार तू सेमेस्टर के बीच में यहाँ पर कैसे आ गया? क्या है कि हमें ग्रेजुएशन से पहले थोड़ा टाइम मिल गया, तो साशा ने डिसाइड किया कि वो मेरे मॉम डैड से मिले। मजाक कर रहा है क्या ब्रो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओह आई सी, घर वालों ने मना किया? कुछ नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन मेरे मॉम का बर्ताव बड़ा ही अजीब है। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कुछ हो पाना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो सकता है। तुम्हारे मॉम डैड मुझे पसंद नहीं करते, आसपास भी नहीं देखना चाहते। साशा ऐसी बातें मत करो, हम इन सबसे पहले भी गुजर चुके हैं, ऐसी हिम्मत नहीं हारते। और याद रखना, तुमने ही कहा था उनसे मिलने के लिए। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और तो और, मेरे इस तरह तुम्हारे साथ आने से मॉम और डैड चिंता में बीमार हो जाएंगे। सूर्या सूर्या, प्रॉमिस करो मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। साशा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? Shining through from you. They don't know what I see when I look into your eyes. Darling, you know you can beat my heart. Heart. Darling, you know you can beat my heart. Clouds breaking, the sun shines when you dance into my life. You know we belong, you are the one loving. You makes me lose my mind. Breaking the sun shines when you dance into my life. You know we belong, you are the one loving. You makes me lose my mind. Clouds breaking, the sun shines when you dance into my life. You know we belong, you are the one loving. You makes me lose my mind. Fill me with the sweetest sunshine, make me feel alive. My heart is yours, I'm meant to be. You know you can't deny. Hand in hand, I'll dance you to the beating of my heart. Turn a blind eye to the world, we'll never be apart. Ooh, ooh. Hey, hey, no. Complete my heart. Clouds break and the sun shines when you dance into my life. You know we belong.
the sun shines when you dance into my life. You know we belong, you are the one love, and you make me lose my mind. रात के इस वक्त किसने ये टीवी चालू रखा है? ये सब क्या बेहूदगी है समझो। साशा, डैडी, रात के इस समय तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कमरों में होना चाहिए था। डैडी, और तुम लोगों में कोई मॉरल है ही नहीं, किसी बात की कोई कीमत नहीं है। तुम लोग मेरी नाक के नीचे मेरे घर में ये सब कर रहे हो। शेमफुल, दिस इज वेरी शेमफुल। डैडी प्लीज आप चुप रहिए। आपको मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है, आपने ये सब सोच कैसे लिया? ये बिल्कुल सही बर्ताव नहीं है सूर्या। अगर आप चिल्लाना नहीं बंद करेंगे तो फिर मैं कसम खाता हूँ मैं नेक्स्ट फ्लाइट से वापस चला जाऊंगा। डैडी, यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो रहा था। मैं और साशा सिर्फ टीवी देख रहे थे और पता नहीं कब सो गए। मैं आपको बताता हूँ, मैं और साशा दोनों समझदार हैं, हम ये सब कैसे कर सकते हैं। प्लीज, आपने ये सब सोच भी कैसे लिया? सूर्या, आई एम सॉरी साशा, मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए था। आप बहुत लकी हैं, आपका बेटा बहुत अच्छा है, आप दोनों से बहुत प्यार करता है। यस, साशा, मुझे ज्यादा समझदारी से काम लेना चाहिए था। Forgive me. Sorry. Thank you. Good night. Good night. मिस्टर सूरी, आप क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? एक मिनट, एक मिनट। द लेयर मेहंदी? मुझे भी वो बहुत पसंद है, पर मुझे लगता है कोई और नुसरत फतेह अली खान की तरह नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा है कि नहीं? वाओ, लेकिन तुम्हें दलेर मेहंदी और नुसरत फतेह अली खान का कैसे पता है? मेरा मतलब हिंदुस्तानी संगीत के बारे में कोलंबिया में मैंने एक साल पढ़ा था, तभी मैं सूर्या से मिली। रियली? हाँ। वेल, मुझे लगता है मुझे तुम्हारे बारे में और जानना चाहिए, तो अपने बारे में कुछ बताओ। डैडी का नाम मिगुएल है, मॉम का नाम यूलिया है। यूलिया? हमारी एक सिंपल फैमिली है, क्योंकि ये मेरी मॉम का ड्रीम था, इसलिए मैं कोलंबिया गई बस। ओके। बाय चांस मैं सूर्या से मिली। मैंने इंडियन म्यूजिक किया और वो कुछ सीडीज लेने लाइब्रेरी आया था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से हमारी फ्रेंडशिप आगे बढ़ी। एक्सीडेंट? हम आपको बताना नहीं चाहते थे। मैं नहीं चाहती कि आप मेरे किए की वजह से मुझे पसंद करें। मैं जैसी हूँ वैसी मुझे आप पसंद कीजिए। हंसोगी जब पता चलेगा। साशा, तुम्हारे आने से पहले मैंने घर सर पे उठा लिया था जब मुझे ये पता चला कि सूर्या एक स्पेनिश लड़की को घर लेके आ रहा है। और आलू मेली सच में खुश थी, और उसने ये भी कहा कि ये शादियाँ बहुत अच्छी होती हैं। क्या हुआ फिर? वो मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाती है? Well, you know, आलू मेलू बहुत ही पॉजिटिव है, उसे सबका ध्यान खींचने की आदत है। और जब तुम सूर्या को उसे बांटने चली आई तो उसे डर लगा कि वो तुम्हारे हाथों से खो देगी।
और वो तुम्हारी मैड्रिड वाली शादी के बारे में प्लस सालसा में सांबर मिलाने के बारे में, तो आलू मेलू ने तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं दिए। पता है साशा, हमारी शादी आसानी से नहीं हुई है। हम दोनों दो अलग कल्चर से हैं, तो उसे लगता है कि मेरी तरह सूर्या को भी तकलीफ उठानी पड़े उसकी तरह, क्योंकि उसे लगता है कि मैंने उसे निराश किया है। इस वजह से कभी कभी मुझे यहाँ अकेलापन लगता है। मिस्टर सूरी। नॉट मिस्टर सूरी, पापा जी। पापा जी? पापा जी, पापा जी। हे, जरा बच के रहना, आज बहुत सारे दिल तोड़ने वाली हो तुम सच में। और साड़ी में सच में कमाल लगोगी। हे सूर्या, मजाक करना बंद करो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, पर आई होप ये साड़ी देख के तुम्हारी माँ को मैं बहुत अच्छी लगूं। तुम मामा की फिक्र मत करो, उनका ऐसा ही नेचर है। तुम्हें इंडियन मदर्स के बारे में तो पता है ना, सबकी सब एक जैसी होती हैं। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम आज रात किससे मिलने वाले हैं? क्या बहुत सारे लोग होंगे? हाँ, कुछ ऐसे ही लोग हैं, लेकिन जल्दी करो, अगर मम्मा ने देख लिया ना तो फिर वो सोचेंगे कि हम यहाँ कुछ गलत कर रहे हैं। ये इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, मुझे इससे कुछ बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, मुझे मेरा जैकेट ले लो। ओ एक्सक्यूज मी, तुम लोग मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हम आपके कमरे में तैयार हो रहे थे। मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ, लेकिन एक्सक्यूज मी, मेरे कमरे में ही क्यों? तुम मेरे कमरे में क्यों तैयार हो रहे हो? मम्मा, मैं तो हमेशा आपके ही कमरे में तैयार होता हूँ। ओके ओके, हमें देर हो रही है, हमें उस अरेंजमेंट पर जाना होगा। चलो, वो अरेंजमेंट नहीं, आ रहे हैं। अरे, उसे वहाँ जो भी कहा जाता है, मेरे लिए वो अरेंजमेंट ही है। चलो, चलते हैं यहाँ से। चलो सूर्या, चलो चलो ना। सर, सर, आपको नृत्य पसंद आया? यस सर, मुझे नृत्य बहुत पसंद आया। धन्यवाद। चुके चुके बैठी रहो। अय्यर, मेरी बीवी मुझे हर वक्त नचाती है। जानता हूँ सर, आलमेलू भगवान का तोहफा है सर, भगवान का तोहफा। आलमेलू मतलब भांगड़ा ना? लेकिन सूर्या को बहुत पसंद आया, मैंने देखा, मुझे कैसे एक टक देख रहा था। ललिता ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। अंकल जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? ओए चंगा पुत्र, चंगा। ललिता, आंटी तुम्हें बुला रही हैं, जाओ जल्दी। ओ, तुम्हारा अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया था। नमस्ते। हमारे भांगड़ा से अच्छा कोई नृत्य नहीं है ना अंकल जी? एकदम सही, ये बिल्कुल बकवास था। She's coming. तुम्हें पता है ललिता ने आज कितना अच्छा नृत्य किया? न्यूयॉर्क में जाकर प्रदर्शन करने के लिए उसे छात्रवृत्ति मिलने वाली है। Good. और मुझे यकीन है मेरा सूर्या भी उसकी मदद करेगा। लेकिन वो कहाँ है? वो वहाँ उस फिरंगी के साथ बैठकर बात कर रहा है। अमरजीत दे, कोई बात नहीं, मैं उसे बुलाती हूँ। सूर्या, चलो चलो ना बेटा, माँ साशा अकेली हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा, तुम्हें समझना होगा। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता हूँ, बहुत बेचैनी होती है ऐसे। मम्मा अच्छा नहीं लग रहा ये सब, मैं बस यहाँ कुछ ही दिनों के लिए आया हूँ। मैं यहाँ से बैड फीलिंग लेके नहीं जाना चाहता, मैं उससे शादी करने वाला हूँ, और ये बात आप जान लीजिए। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं, मेरी राय तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती। तुमने उसे शादी करना तय कर लिया है, लेकिन क्या ये शादी सफल होगी? मैंने तो एक पंजाबी से शादी की, इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं थी,
लेकिन उसकी दखल अंदाजी देख कर मैं हमारे बीच में आते देख वो बहुत ही असभ्य है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हारे लिए सही है। मुझे बस नहीं लगता। काश ऐसा हो जाता, घड़ी उल्टी चलती और यहां बस हम तीनों ही रहते खुश। तुम बड़े क्यों हो गए? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं सरप्राइज्ड हूं कि आप ऐसा कह रही हैं। पता है, साशा ने ही कहा था आप सबसे मिलने के लिए। अगर उसे आपके बारे में जानना नहीं होता तो वो इतनी दूर क्यों आती यहाँ? साशा बहुत प्यारी है। प्यारी? उस लड़की में क्या प्यारापन है? उसने तय कर लिया तुम कब शादी करोगे और तुम लोग कहाँ शादी करोगे। उसने ये भी तय कर लिया कि मैं क्या पहनूंगी। मैं गाउन पहनूंगी? क्या हमारी यही इम्पोर्टेंस है? मम्मा कम ऑन। वैसे भी अब हम लोग आपके साथ तो रहेंगे नहीं, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? मैं एक छोटी सीधी सादी लड़की थी। मेरे पिता लेफ्टिनेंट कर्नल थे और तुम्हारे पिता वुलन के कपड़े प्रदान करते थे। हम मिले और प्यार में पड़ गए और भाग गए। जहां से मैं आती हूं, शादी सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं होती, दो परिवारों के बीच होती है। वो जोड़े का ख्याल रखते हैं। क्या यार, कितना फनी है ये सब। मम्मा, आप किताब में लिखी हर तरकीबें इस्तेमाल कर रही हैं जिससे कि मैं उससे शादी ना करूं। पहले आपने ये कहा कि वो बहुत रूड है और जो भी कुछ, और अब उसकी फैमिली के बारे में ये सब। आपको नहीं लगता साशा के पेरेंट्स भी इसी बारे में सोच रहे होंगे? लेकिन वो कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश कर रही है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे कल्चर को अपनाने के लिए वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। वही तो सूर्या, वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। मैं भारती के साथ नहीं निभा पाई तो तुम उसके साथ कैसे निभाओगे? सच्चाई सामने आ ही गई। ये सारी बातें सिर्फ बकवास हैं। मैं शादी कर रहा हूँ एक फॉरेनर लड़की से, इसीलिए आप ये सब कह रही है ना? और जब सच में फैसला लेने की घड़ी आई तो आप इन चीजों को मना नहीं कर सकती हैं। मम्मा प्लीज, आपको कैसे लगता है कि मैं एक इंडियन लड़की के साथ खुश रहूंगा? मैं ये पहले ही कहना चाहता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको शायद बहुत बुरा लगेगा। और ये अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रही तो मेरी गलती नहीं है। ये सब अचानक से हो गया सूर्या। मैं समझती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। जब भी मैं उस लड़की को देखती हूँ, अब मुझे जलन होने लगती है। मुझे डर लगता है कि कहीं उसकी इम्पोर्टेंस मुझसे ज्यादा ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतना ड्रामेटिक मत बनिए। मम्मा, अगर साशा नहीं कहती तो मैं यहां नहीं आता। साशा को थोड़ा टाइम दीजिए मम्मा, सच कह रहा हूं मैं। आप उसके साथ जाइए, उसके साथ एक दिन बिताइए, खरीदारी कीजिए। छोड़ो ये सब, चलो मेरे साथ। देर हो रही है, भाभी जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। आप समझती ही नहीं। हाँ ठीक है मैडम, मैं अपने कस्टमर को कभी गलत चीज नहीं देता। प्लीज मैडम, ले लीजिए। वाटरमेलन, सूर्या को वाटरमेलन बहुत पसंद है, वो मुझे भी खिलाता है। मैडम सूर्या, अरे ये अब जल्दी से मुझे तरबूज दो। मैडम क्या कह रही है मैडम? मुझे दीजिए मीनाक्षी। मैडम थैंक यू मैडम, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए इसकी बेवकूफियां बर्दाश्त कर रही हूँ बस। ये सब क्या बेवकूफी है? ये ड्रमस्टिक है क्या? इसे हिंदी में सहजन कहते हैं। सहजन है ना? ये जल्दी चलो भाभी जी कहीं। मैडम
हो गया तुम्हारा मीनाक्षी, तो क्या हम चल सकते हैं? मैं अपना फेवरेट टीवी सीरियल मिस नहीं करना चाहती। साशा चलो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमः। अरे बहू बैठ क्यों गई? सफाई करो। सफाई तो मुझे कहीं दिखते ही नहीं है। ठीक ढंग से करना, सारा काम हो गया, चलो चलो सफाई करो। हाँ मैं कर रही हूँ। अरे ये क्या गिरा दिया? हे भगवान, किसी काम की नहीं है ये। इसे तो कुछ क्या, कौन, 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 है। क्या बोल रहे हो? तो समझ में भी नहीं आता है। इसने तो बस शादी कर दी और अपनी मुसीबत मेरे गले डाल। माँ क्या देख रही है? क्या उनका ध्यान पूरा टीवी पे है? वो हमें नहीं देख रही है। इससे पीछा छूटेगा मेरा। मैं ही हूँ जो इसे अब तक झेल रही हूँ अपने बेटे के खातिर। जल्दी करो। हाँ हाँ करती हूँ। पता नहीं आजकल न्यूज में भी क्या दिखाते हैं सास बहू के बारे में। सब लोग सास को ही सुनो, मम्मी टीवी देख रही है, किस दोनों प्लीज। कहते हैं जमाना बदल गया है। हे भगवान, अब क्या तुम क्या कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। देखना तुम्हारी मॉम देखना ले। प्लीज ऐसी बातें मत करो। पता नहीं आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है। कुछ भी वो ऐसे क्यों देख रही है? तो उन्होंने कुछ देखा नहीं। ऐसे आँख दिखा रही है? हमारे जमाने में कोई अपनी सास को ऐसी आँख दिखाता था भला? मजाल है कि उसकी तरफ आँख उठाकर भी देख ले। मेरा बस चले तो मैं तो इसे घर से निकाल दूँ। हेलो एवरीबॉडी। ओह हाय हाय, यहाँ तो बड़ी शांति है। मैं परेशान हो जाता हूँ जब इतनी शांति देखता हूँ। मुझे इतनी शांति की आदत नहीं है। हे साशा, जरा यहाँ और ये कपड़े देखो। हाँ। ये देखो, आप क्या भी देख रहे हैं? आजकल लड़कियाँ बहुत कम से कम कपड़े पहन रही हैं। समझ में नहीं आता क्यों। छोड़ो इन बातों को, मुझे भूख लग रही है, मुझे सैंडविच खाना। हाँ, हाँ, मैं साशा मेरी मदद करो उसे बनाने में। तुम्हें पता है कि सैंडविच कैसे बनाते हैं? जल्दी अब इससे मुक्ति दिला दो। मम्मा क्या देख रही हैं आप? ये ऐसी प्रॉब्लम हर जगह नहीं होती है। आप क्यों इस तरह के सीरियल्स देखती हैं? आपको लगता है हमारी लाइफ की ऐसी स्टोरी है? ये सब देखना बंद कर दीजिए मम्मा। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा इसे। मैं आपसे परेशान हो गया हूँ, पीटर से मिलने जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। ये लीजिए माँ जी, आपके लिए। मेरे लिए? हाँ माँ जी, बहुत अच्छी बनी है, पी लीजिए। माँ, भाई सब कहाँ हैं? मैंने सैंडविच बनाया है। हे, तुम्हें सैंडविच खाना? नहीं, ये सैंडविच मत खाओ। What are you doing? आखिर हो कौन तुम? माँ, तुम मेरे घर में चली आई, जिंदगी में चली आई मेरे बेटे को दूर करने। तुमको क्या लगता है तुम कौन हो? तुम क्या कह रही हो आलूमिलू? बस अब बहुत हो गया ओएस, अब मैं ये सब सह नहीं कर सकती। अगर ये लड़की मेरे घर से नहीं जाएगी इसी वक्त, तो मैं घर छोड़ के जाऊंगी। चुप हो जाओ आलूमिलू, चुप हो जाओ। बेकार तमाशा बना रही हो, मुझे शर्म आ रही है। हम बहुत इज्जतदार परिवारों से, हम अजनबियों से परिचित होने के चक्कर में नहीं पड़ते। प्लीज प्लीज अपना जादू अपने देश के किसी सुंदर लड़के पर चलाना। तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, ये मेरा घर है और सूर्या मेरा बेटा है और ये मेरे पति हैं और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहती। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। ये सब तो और आप, आपने साशा के हाथों का सैंडविच कब से खाना शुरू कर दिया? क्या मैं मर गई हूँ? क्या मीनाक्षी मर गई है? लेकिन आप जैसे मर्द बस लड़की देखते हो। आलू मेलू, प्लीज स्टॉप दिस फॉर गॉड सेक। मीनाक्षी, घंटे सुनाई नहीं दे रही तुम्हें, दरवाजा खोलो। समझ में नहीं आता इस घर के लोगों को हो क्या, बीवी पागल होगी, लड़की को घंटी सुनाई नहीं दे रही है। ओह कम ऑन, मैं आ रहा हूँ, बस भी करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। यस, कुछ तो कहिए। क्या वे मिस्टर सूरी हैं, सूर्या के फादर? हाँ मैं हूँ।
मैं आपकी कुछ मदद करूं या? आपने मेरी बेटी के साथ क्या किया? क्या किया मेरी बेटी के साथ? बताओ मुझे, मेरी बेटी कहाँ है? बस करो, बस करो, बताइए हमारी बेटी कहाँ है? कहाँ छुपाया आपने उसे? बताइए कहाँ है वो, कहाँ है? आपको बताना ही होगा। ये सब क्या हो रहा है? हमारे घर में मेहमान आए हैं माय डियर। ये है मिस्टर और मिसेस, क्या नाम है आप लोगों के? प्लीज चिल्लाई मत, हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। नाइस टू मीट यू। वेल, मैं हूँ मिगुएल सर्वेतिस और ये है जूलिया। यस, हम साशा के पेरेंट्स हैं। साशा, मेरी प्यारी बच्ची, कहाँ है वो? देखो इसे गौर से देखो, किडनैपर जैसा लग रहा है। या, सही कहा तुमने। एक्सक्यूज मी, हम लोग आराम से बात कर सकते हैं, क्या आप अंदर आना चाहेंगे? प्लीज कम इनसाइड, प्लीज। ओके ओके, कम 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 प्लीज। चलो कम, अपने बैग आप वहीं छोड़ दीजिए प्लीज। प्लीज कम, प्लीज प्लीज। एंड एक्सक्यूज मी, आप लोग कह रहे थे कि कोई किडनैपिंग किया हमने, प्लीज कम। और हम आपकी बेटी का अपहरण क्यों करेंगे? और मेरा बेटा भी ऐसा क्यों करना चाहेगा? आप सूर्या की माँ है ना? आला मेलू। जी हाँ, सही कहा ना, यही तुम्हारा नाम है ना? कहाँ है मेरी बेटी? आप लोगों ने उसे कहाँ छुपा रखा है? बताओ मुझे, अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करो, साशा के बारे में पूछो। ये सब बंद करोगी? ये लोग तो हमें ही दोष दे रहे हैं। फालतू बकवास करना बंद करो, कहाँ है मेरी बेटी? देख लो, पहले बेटी आ गई, अब माँ और बाप भी आ गए हैं यहाँ पर। किए जा रहे हैं ये। नहीं 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 नहीं, ये बकवास नहीं कर रही है, ये आपको सच्चाई बता रही है। एक्सक्यूज मी, मैं साशा को ढूंढ के लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, जैसा बाप है वैसी बेटी। लूज कैरेक्टर, प्लीज अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए, हमें नहीं चाहिए। जब से मैं घर में वापस आया हूँ, शोर सुन सुन के परेशान हो गया हूँ, अब तो मुझे घर आने में डर लगता है। मिस 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 सेवेंटिस सर, मैडम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय हाउस, आपने तो सरप्राइज कर दिया। सूर्या, कहाँ है मेरी बेटी? मुझे अभी साशा से मिलना है। मेरी बात कान खोल कर सुनो, मुझे मेरी बेटी चाहिए अभी के अभी, बताओ वो कहाँ पर है, वरना मैं तुम्हें अंदर करवा दूंगा। ऐसा नहीं है सर, साशा ने आपको मैसेज किया था, लेकिन आप ट्रैवलिंग में थे और मुझे लगता है कि हम एडल्ट हैं, साशा ने ये डिसीजन खुद लिया है और हम एक दूसरे को पिछले 2 सालों से जानते हैं, तो बुराई क्या है? हमने वो ईमेल देखा था और हमने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर उससे पहले ही वो फ्लाइट पकड़ चुकी थी। उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, साशा यहाँ पे एकदम ठीक है और वो आप लोगों के बारे में बातें भी करती है। मुझे साशा से मिलना है और वो भी अभी के अभी। मेरी साशा को कहाँ छिपा के रखा है? कहाँ है साशा? मैंने पूरा घर ढूंढ लिया लेकिन वो घर में आई नहीं, वो कहाँ जा सकती है? सूर्या, डैडी मैं उसे लेके आता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे वादा करें कि अब इस घर में कोई भी नाटक नहीं होगा। आप लोग हमें समझने की कोशिश करिए, साशा और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं। अयो, पूरा परिवार पागल लगता है, पहले बेटी आ गई परेशान करने, अब माँ बाप भी आ गए मेरे बेटे को परेशान करने। हमें कहीं से पता चलेगा आपकी बेटी कहाँ गई है? मुझे यकीन है उसको बिना बताए भागने की आदत होगी, अब वो हमें बिना बताए भाग गई है यहाँ से, जब से आई परेशान कर रखा है उसने। हमने परेशान नहीं किया, मेरी बेटी घर से भाग कर नहीं आई है, बल्कि आपका बेटा उसे यहाँ भगा के लाया है। देखिए, मुझे पता है कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और ये सब हमारे लिए भी एक सरप्राइज की तरह है, क्या हम इसे बाद में सुलझा सकते हैं मिलके? ओके प्लीज। साशा, साशा, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, मैंने चीजों को ठीक करने की पूरी कोशिश की सूर्या, मैं पागल हो गई होंगी, मुझे लगा तुम्हारे पेरेंट्स समझेंगे। शायद मम्मा को बताने का वक्त आ गया है कि तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। मैं किसी से बात नहीं करना चाहती सूर्या, मुझे प्यार चाहिए, सहारा चाहिए, एक परिवार चाहिए, ये सब मुझे तुम्हारे परिवार से कभी नहीं मिलेगा। साशा, मुझे एक मौका तो दो, लेकिन लेकिन तुम्हारे परिवार के साथ यहाँ मुझे नहीं पता। क्या क्या कहा तुमने? मेरे पेरेंट्स? ओह माय गॉड, वो कब आए बताओ? मेरे डैड जरूर समझेंगे, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, वो मेरी मदद करेंगे। चलो घर चलते हैं। घर? साशा? हाँ बिल्कुल, तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानते, मैं कोशिश किए बिना हार नहीं मानती।
खासकर तब जब मेरे साथ अच्छा दोस्त है। वो कौन है? तुम। Rain in Spain is mainly on the plain. मुझे याद है, स्पेन में मुख्य रूप से मैदानी इलाकों में बारिश होती है। My fair lady, ये कौन भूल सकता है? That's right. My Spanish friend, ये लो अच्छी red wine. Okay, thank you. Yes. हाँ, तुम उन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कह रहे हो? ये कोई होटल नहीं है जो यहाँ रह रहे हैं। आलू मेलू, मैंने ही साशा के पेरेंट्स को हमारे साथ रहने के लिए कहा है। ये सही है, वरना सूर्या और साशा की बात सुलझ नहीं पाएगी। मेरा मतलब, मैं नहीं चाहता कि सूर्या को बुरा लगे। वो मंजूरी चाहता और उसे मिलनी भी चाहिए। अगर वो चाहता तो इसे बिना मंजूरी के भी कर सकता था। मॉम, डैड, साशा, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आओ। साशा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो ना मेरी बच्ची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सूर्या के पेरेंट्स सच में बहुत अच्छे हैं। ओ यस, तो तुम्हारी बीवी के लिए मेरे पास एक तोहफा है, मैं भी देता हूँ। मेरे लिए? हाँ, आपके लिए। क्यों? नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर अ ब्यूटीफुल वुमन। शुक्रिया। प्लीज अभी इसे ओपन कीजिए ना। अब ये तो साड़ी है। वाओ, ये तो मेरा पसंदीदा कलर है। ये आपको कैसे पता चला? बस मैंने गेस किया और मालूम चल गया। वैसे भी मुझे खूबसूरत औरतों की पसंद का ख्याल रहता है। अच्छा। मैं तुम्हें दुनिया के बारे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता अभी भी तुम बच्ची ही हो। क्या ये अच्छा नहीं है मॉम? हाँ बेटा, अच्छा है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो और यही सच है। बस बहुत हो गया साशा, हमारे साथ वापस चलो। तुम्हें चलना होगा, हम पहली फ्लाइट से घर के लिए निकल रहे हैं। हाँ, आप लोग वहाँ जाएंगे। वेल, मैं नहीं आऊंगी। साशा, हम यहाँ बिना किसी कारण के नहीं आए हैं। अब हम और तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकते। बस अब बहुत हो गया साशा, बिल्कुल तुम्हारे पापा की तरह, जो किसी दूसरी औरत के साथ नहीं रह सकता। मुझे कहा क्या? मैं अभी यही रहना चाहती हूँ। ये बस कुछ ही दिनों की बात है मॉम, प्लीज समझिए। तुम इस लड़के के बारे में जानती ही क्या हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा प्यार कब तक टिकेगा? तुम्हें उसके कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता, और उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रहोगी? साशा, तुम्हारे लिए अच्छा लड़का देखा है, तुम्हें पसंद आएगा, मुझे पता है। कौन? वो वही कार्लोस जो दिन भर शराब पीता है? कम से कम उसे काम की जरूरत नहीं, उसके पापा के पास बहुत सारा पैसा है। हाँ हाँ हाँ। जो मेरी प्यारी साशा का हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी पूरी बदल जाएगी। तुम उसके पिता से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? उसके पास बहुत सारा पैसा है। मॉम, मैं सूर्या को अच्छी तरह जानती हूँ, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। आप दोनों को देखिए, आपकी शादी में क्या बचा है? आपको क्यों लगता है कि डैड दूसरी औरतों को देखते हैं? फिर से मुझे बोला? आप हमेशा पैसे गिनने में बिजी रहती हैं। आप दोनों के पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब मैं किसके लिए करती हूँ? पता है हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कैसे उठा रहे हैं? तुम्हें पता ही नहीं हमने अपनी कितनी इच्छाएं मार दी है। किसके लिए? तुम किसी के साथ भाग जाओ इसके लिए, और किसी पागल और गुस्सैल परिवार की बहू बन जाओ इसके लिए? मॉम, मैं जानती हूँ आप क्या फील कर रही हैं, लेकिन मैंने आपसे कितनी बार बात करने की कोशिश की, पर आपके पास वक्त ही नहीं था, हमेशा पैसे गिनने में व्यस्त। मुझे पता है पैसों के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमें आपकी भी जरूरत है, आपका प्यार। मॉम, मुझे वो प्यार सूर्या से मिला, तो क्या हुआ अगर वो इंडियन है? वो काइंड है, केयरिंग है, और मैं जैसी हूँ मुझसे प्यार करता है। मुझे एक मौका दीजिए मॉम। जूलिया, मैंने तय किया है कि मैं यहाँ कुछ दिन और रुकने वाला हूँ। मुझे यहाँ पर वाकई बहुत मजा आ रहा है। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, लेकिन हम दोनों नहीं जाएंगे। अब तुम इसके साथ आओगी या नहीं आओगी, बताओ?
जैसा बाप वैसी बेटी। ठीक है, अपनी बेटी को बर्बाद होने के लिए छोड़ दो और खुद भी बर्बाद हो जाओ। हमारे परिवार के नाक कटवा दो तुम दोनों। इन सब के लिए कोई और नहीं, तुम जिम्मेदार होगे। तुम्हें क्या लगता है मैं दूसरी औरत की तरह आराम नहीं करना चाहती? तुम्हारा भला ना चाहूं? ये सब मैं सिर्फ तुम्हारे भविष्य के लिए कर रही हूँ। मैं समझ रही हूँ मॉम, आपने मुझे काम करने के लिए कहा, आपने अपना काम तो कर लिया, अब मुझे अकेले काम करने दीजिए, मैं हारूंगी नहीं। मान भी जाओ जूलिया, अपनी बेटी पर भरोसा करो। तुम जानती हो कि हम दोनों इसे यहाँ से सिर्फ ले जाने के लिए नहीं आए हैं, हम इसे स्पेन में भी रोक सकते थे। तुम यहाँ इनका परिवार देखने के लिए आई हो और मैं भी इसीलिए आया हूँ। तुम्हें वो लोग पसंद आए हैं मैं जानता हूँ, और याद रखो अगर तुम उन लोगों को प्यार करोगी तो वो हमें भी प्यार करेंगे। डोंट वरी मॉम, मैं ठीक रहूंगी। थैंक यू। हमेशा खुश रहो बेटा। चलो अब चलते हैं। थैंक यू मॉम, थैंक यू डैड। वैसे तुम्हारी बहुत अच्छी लग रही हो बेटा। कुछ भी। रानी। ओ यस, रानी राजा के पीछे जाती है। होशियार रानी राजा के पीछे ही जाती है। यहाँ कोई गुलाम नहीं। कोई गुलाम नहीं। चीयर्स। एक्सक्यूज मी। श्योर। ओ यस। मैं बोल रही हूँ। आलमेलू, कहाँ हो तुम? मुझे लगा तुम घर पर ही हो। अयो घर में ही हूँ। आप मेरी हर बात क्यों दोहराते रहते हो? नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हर बात दोहरानी नहीं है, आलमेलू है। ओह सो स्वीट। अरे तो फोन क्यों करियो, पैसे लगते हैं पता है ना? इतने सवाल पूछना बंद करो और इसी वक्त बाहर आओ। नहीं नहीं रुको, चार तक गिनो और फिर बाहर आओ। औरत। आप बाहर जा सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूंगी। सेनोरिटा, वीनो का आनंद लो, मैं भी वापस आता हूँ। अरे क्या हुआ, फोन क्यों किया, ये बताओ क्यों? तुमने कब से स्पैनिश बोलना शुरू कर दिया? सेनोरिटा के पास वीनो, और तुम उस औरत को क्यों बोल रहे थे मुझे पीना सिखाने के लिए? मैं तो ये सब कभी नहीं छूती। छी छी छी, और उनके साथ अच्छा बर्ताव करना बंद करो। तुम जितना अच्छा बर्ताव करोगे वो उतना ज्यादा यहाँ रुकेंगे। सुनो आलमेलू, हमारे देश में मेहमान भगवान समान होते हैं, मैं किसी को यहाँ से बाहर नहीं निकालने वाला, समझ गई तुम? ये रुकने के लिए कोई होटल नहीं है, सूर्या भी कुछ दिनों में जाने वाला है, क्या ये लोग भी चले जाएंगे? ये तो जमीन हथियाने वाले लगते हैं, जहाँ जगह मिली वहीं बस गए। मैं तुम्हें बता रही हूँ, समझने की कोशिश करो, मैं कह रही हूँ। हाँ समझ गया, हाँ समझ गया, मैं भी सब कुछ समझ रहा हूँ ना, मिगुएल साड़ी, मैं सब समझ रहा हूँ। उसे पता तो है मुझे क्या पसंद है, तुमने आखिरी बार साड़ी कब दिलाई थी? एक साड़ी उस अजनबी ने क्या दे दी, मैंने जो कुछ भी दिया वो सब भूल गई। सुनो झगड़ा करना बंद करो, मेरा दोस्त डाज एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च कर रहा है, जीरो पिज्जाज पोमोडोरो पर, हमें वहाँ जाना आज रात, समझ गई? अयो गले लग जा मिल जाए हम, रब की मर्जी है ये रिश्ते बन गए सनम। गले 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 लग जा मिल जाए हम, प्यार का सौदा नहीं होता जब दिल मिल जाए सनम। ये रंग को देखो ये दुनिया के रंग है रंग, इस प्यार को पहचानो पहचानो ये प्यार के रंग, चाहे संबर चाहे सलसा गर्म हर एक मसाला, किसका तीखा किसका मीठा हर एक रूप निराला। Just move your body like that, I'll move my body right back, we'll have everybody like that dancing in the streets. I know that you're gonna like this, it's contagious, please don't fight it. Everybody else, I'm trying it, dance and just be free. Hey drummer, make it hot, oh, oh. Hey DJ, make it hot, oh, oh. Everybody on the block, wind your body up, wind your body up, oh. Hey drummer, make it hot, oh, oh. Hey
हवाओं में छोड़िए जी संग संग आजा आजा शाम सजा दे खोल दिल का ताला नाचेंगे हम गाएंगे मुस्कुरा के हाथ मिला ले Just move your body like that I'll move my body right back We'll have everybody like that Dancing in the street I know that you're gonna like this It's contagious, please don't fight it Everybody else come try it That time, move with my body, leave the past behind. Take it to the top, then we wind just a little bit. I know you like the way I grind just a little bit. And you know I'll drive you crazy. When I move these hips, you'll be my baby. Don't try to front, cause I'm just too hot. I'ma keep on going till this record stops. Oh. Vamos, llegó la hora de fiesta. Vamos, vamos a bailar que amanezca. Vamos, llegó la hora de fiesta. Vamos, vamos a darle una pela. Vamos, llegó la hora de fiesta. क्या तुम उसे सपोर्ट कर सकते हो? बैंक में उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है, उसे वहाँ नौकरी मिल भी जाएगी। जिंदगी इतनी आसान नहीं है बेटा, तुम्हें यकीन है? हाँ मुझे यकीन है। मैं इतने यकीन से नहीं कह सकता सूर्या। तुम्हारी माँ और मैंने प्यार के लिए शादी की, लेकिन अब हमारी जिंदगियां पूरी तरह खाली हैं। कभी कभी सोचता हूँ कि वो प्यार कहाँ गया। उसे फिर से खोजिए डैडी, मम्मा की तरफ थोड़ा और ध्यान दीजिए। मुझे पता है वो आपको दुनिया में सबसे प्यारी लगेंगी। इससे ज्यादा और मैं क्या दे सकता हूँ सूर्या? ये इतना आसान नहीं, पता है। या शायद मैं एक आदर्श पिता नहीं हूं, लेकिन पता नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। डैडी कम ऑन, मैं जानता हूँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू टू। पता है, और मुझे साशा भी पसंद है, वो एक अच्छी लड़की है। मैं जानता हूँ। और खुश हूँ कि तुमने जिंदगी में कुछ तो अच्छा किया। हाँ गॉड ब्लेस। चलो गेम पे ध्यान देते हैं। लग रहा है कम से कम हम कुछ तो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे परिवार घुल मिल रहे हैं। हाँ तुम्हारे डैडी और मेरे डैडी ने मंजूरी दे दी है। He is so sweet. हाँ लेकिन तुम्हारे डैडी हमेशा मेरी मम्मा को देखते रहते हैं। Well, इसके लिए मैं अपने डैड को दोष नहीं दे सकती, तुम्हारी माँ की नजर भी उन पर रहती है, कभी ध्यान देकर देखना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी मम्मा ऐसी नहीं है, वो किसी को नजर उठा के देखती तक नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, पर वो तुम लोगों को एहसास दिलाती है बस, ताकि दूसरे लोग कह सकें कि तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तुम मेरी मम्मा के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकती हो। ओ अच्छा, तो तुमने मेरे डैड के बारे में कुछ भी नहीं कहा? मैं हूँ ना जो हमेशा तुम्हारे परिवार की बुराई करती हूँ। नहीं अब इसे शुरू कर दिया है तो झगड़ा पूरा करते हैं। हम ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे हमारी शादी हो चुकी हो, बहुत गलत है। आई नो, मुझे भी डर लग रहा है। I love this flavor.
तुम्हें कैसे पता? मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा, मैं जानता हूँ लड़कियों को क्या पसंद होता है। अच्छा? हाँ? साशा, क्या कोई तरीका है जिससे कि हम ये छोटी छोटी बातों पे लड़ा ना करें? वेल, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। मैं घर जाना चाहती हूँ और स्पेनिश चिकन बनाना चाहती हूँ तुम्हारी अम्मा के किचन में। चलो चलते हैं। मैं तुम्हारे साथ यहाँ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, सिर्फ मैं और तुम। ओके। Shadows of desire, more and more, all the time, where our deepest secrets lie, with passion in our eyes, a kiss for every sigh, you will always be my truth, my life. Caressing by moonlight, more and more, what I find when you're lying by my side, with passion in our eyes, a kiss for. Okay, बस पक गया। हे साशा, तुम क्या बना रही हो? मुझे सैलेड दीजिए। ओके, आइए आइए प्लीज। हाँ, कम खाना रेडी है, खाना रेडी है। जल्दी शुरू करते हैं। चलो बैठो, आराम से बैठो। आओ बैठो, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। साशा, ये देखो। वाओ, लगता है आज खाना बहुत अच्छा बना है। अरे देखो, सच में वाला मेलू भी आ गया। मजा आ जाएगा, खुश हो जाएगी। ओके ओके, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। वैसे भी इंतजार का फल मीठा होता है, मैं जानता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ कि साशा ने बनाया कैसा है। Cheers! 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 Hello everyone! Sasha? मैंने स्पेनिश चिकन बनाया है, वो भी माँ के चेम्बू में। मैं कुछ जगह बनाता हूँ। अयो, मेरा चेम्बू? तुमने मेरे चेम्बू में चिकन बनाया? हाला मेलू, कोई बात नहीं, गलतियाँ हो जाती हैं। वो तो अच्छा करने की कोशिश कर रही थी, हम सबके लिए खाना बना रही थी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। पतीला वैसे भी कबाड़ का टुकड़ा है। कबाड़? तुमसे तो बाद में बात करूंगी। और मेरा घर बर्बाद करके हो गया या और कुछ करना है? मम्मा, ये सिर्फ हम लोग के लिए एक अच्छा खाना बनाने की कोशिश कर रही है, और कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही। तुम्हें पता है ये पतीला क्या मायने रखता है? ये मुझे मेरी माँ ने दिया था, और इस लड़की ने मेरे पवित्र चेम्बू में चिकन बनाया। माँ, मुझे पता है ये चेम्बू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, पर मैंने जानबूझ के इसे नहीं जलाया। I'm sorry I did this, पर मुझे अब और बुरा लग रहा है कि आपके लिए ये पतीला ज्यादा इम्पोर्टेंट है ह्यूमन फीलिंग से। अपना प्यार दिखाने के लिए मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं। आप सही थी मिसेस सूरी, जब आप सांबर में सालसा मिलाते हैं वो खाने का स्वाद बिगाड़ ही देता है। अब हमें घर चलना चाहिए। हमें ये सब छोड़ देना चाहिए आला मेलू, मैं और टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ और तुम लगातार लड़ाई करते रहते हो, मुझे पता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो ये कभी मान ही नहीं पाई कि अब तुम मेरी वाइफ हो।
वो तुम्हें गलतियां ढूंढती रहती है, मुझे पता है, जबकि तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हो। मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष नहीं ले सकता आलामेलू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। थक गया हूँ आलामेलू, हम हमारी शादी खत्म नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं माँ बनने वाली हूँ, हम कहाँ जाएंगे? मेरा एक्सपोर्टर लंदन से है और उसने साथ काम करने के लिए वहां बुलाया है। आलामेलू, चलो बच्चे को बिना किसी बंधन के पैदा होने देते, हमारी संस्कृति के मतभेद की छाया के बिना, ताकि हम हमारे बच्चे का भविष्य वैसा बना सके जैसा हम चाहते हैं। लेकिन लंदन, मैं एक छोटे से गांव की लड़की हूँ, मुझे लंदन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपनी जिंदगी में कभी भारत से बाहर नहीं गई हूँ, एस मैं क्या करूंगी? तुम आस पास नहीं होगी तो किसके साथ समय बिताऊंगी? तुम माँ बनने वाली हो आलामेलू, इस वक्त को अपने बच्चे के अच्छा भविष्य बनाने में इस्तेमाल करो। शायद तुम सही कह रहे हो, मैं इस बच्चे को अपना सब कुछ दूंगी, शायद ये सब अच्छे के लिए ही हुआ है। इस बच्चे को मैं अपने तरीके से बड़ा करूंगी। आप सही थी मिसेस सूरी, जब आप सांभर में सालसा मिलाते हैं तो खाने का स्वाद बिगड़ जाता है। सॉरी माँ, जो मैंने ऐसे बात की। आई लव यू माँ, आई डू, बिलीव मी। मैं एक स्मॉल टाउन फैमिली से आई हूँ जिसमें सिर्फ मॉम और डैड हैं। डैड हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहते थे, कभी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते थे। मॉम ने बहुत मेहनत की है, पैसों का हिसाब रखने की कोशिश की है, परिवार को एक साथ रखने के लिए। जरूरत पड़ने पर वो कभी नहीं थी। मुझे एक सच्चा प्यारा परिवार कभी नहीं मिला। और फिर मैं कोलंबिया चली गई एंड आई मिस सूर्या। वो अपने परिवार के बारे में बताता ही रहता था, खास करके वो हमेशा कहता था, मेरी माँ ये, मेरी माँ वो, he is very proud of you। पर मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी। मैंने आपकी सहमति और प्यार पाने की बहुत कोशिश की, मैंने बहुत बहुत कोशिश की, पर मैं फेल हो गई। हम हमेशा झगड़ते हैं, हमारे कल्चर्स अलग हैं। सूर्या और मैं वो वक्त वापस नहीं ला सकते जो हमने साथ बिताए। अब फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना मुझे। तो क्या हुआ अगर सूर्या को मैंने पूरे दिल से चाहा, आपका कल्चर सीखने की पूरी कोशिश की? क्या हुआ अगर मैं आपके म्यूजिक के बारे में जानती हूँ, अगर मुझे साड़ी पहनना अच्छा लगता है? तो क्या अगर आपका बेटा आपको बस इसकी चिंता है कि मैंने आपका चेंबू जला दिया और सांबर में सालसा डाल दिया? लव सूर्या, उसे पता है कैसे हंसना है, कैसे देखभाल करना है। मुझे उसके हर बात से प्यार है। मुझे लगता है मुझे आप सबसे प्यार हो गया है, आपके वैल्यूज, आपका प्यार, वो भी आपसे मिलने से पहले ही। आप देख नहीं सकती कि एक्चुअली मैं आप सबसे प्यार करती हूं।
जब से आप लोग यहाँ आए हैं वक्त कैसे गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। यकीन नहीं होता कि इतना वक्त हम लोगों ने साथ में बिताया। उम्मीद है तुम्हें यहाँ के अच्छा लगा होगा मिगुएल। हालांकि पिछले कुछ दिन मेरे लिए काफी तनाव भरे थे। हाँ, मेरे लिए भी। आपको तो पता है कि साशा हमारी सिर्फ एक लौटी बेटी है। बहुत चिंता होती है हमें। NOS जी, ये सिर्फ कल्चर की बात नहीं है बल्कि फिक्र की बात है। हाँ पता है, मैं समझ सकता हूँ। साशा एक बहुत अच्छी लड़की है, काश मैं उसे अपने बहू के रूप में पा सकता। थैंक यू। सूर्या बहुत अच्छा लड़का है। साशा के कॉलेज में हमारी उसे कई बार मुलाकात हुई है, लेकिन आपकी बीवी हमारे कुछ कल्चरल डिफरेंसेस थे। हाँ सही कहा, हमने अपने परिवार की इच्छा के बिना शादी की। और एक माँ होने के नाते साशा की मौजूदगी में वो थोड़ी इनसिक्योर फील करती। सही कहा। वैसे मैं भी लंबे वक्त से सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं दो प्यारे लोगों की जिंदगियां बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो एस, मुझे पता है मैंने तुम्हें इन सब चीजों में डाला, पर मुझे माफ कर दो प्लीज। जैसे मैंने तुम्हें माफ किया उन सारी चीजों के लिए जो तुमने अतीत में की। अतीत? ऐसा क्या गलत हो गया था अतीत में? कम से कम मैंने इस घर की शांति तो नहीं तोड़ी। तुमने कुछ नहीं किया है ना? जब मैं तुम्हारे जीवन में एक जवान लड़की के रूप में आई, तुम्हारे परिवार ने मुझे अस्वीकृति दी। तुम्हें वो समय याद है जब मैंने तुम्हारे पिता का तानपुरा तोड़ा था? तुमने मुझसे पूरा हफ्ता बात नहीं की थी ओएस। और आज साशा ने जब मेरा चेंबू जलाया तो। अतीत में जीना छोड़ दो आला मिलू, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो क्या मुझे हासिल करवाएगा ओएस? मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे एहसास दिलाऊं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मेरे लिए तुम सब कुछ हो और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? मुझे नहीं लगता तुमने मुझसे कभी प्यार के लिए शादी की। तुमने अपने माता पिता के सामने अपनी बात साबित करने के लिए मुझसे शादी की। ऐसा है क्या? तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया। तुम अलग थी, तुम्हारा आयंगर पैकेज वो कारगर साबित हुआ। लगा तुम्हारी जैसी लड़की को मेरे जैसा लड़का चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मैं गलत था। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले ठीक ठाक लड़की थी, बस बस मेरी तरफ देखो, अब ये तक भूल गई कि प्यार कैसे करते हैं। तो फिर मुझे छोड़ क्यों नहीं देती? क्यों नहीं छोड़ा तुमने? मैं खुश हूं कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हें सबक सिखाया। और वैसे भी साशा के आने से पहले तुमने जो वो बात की थी उन सबका क्या हुआ? तुमने तो किसी वो उन्हें तलाक के वकीलों को भी बुला लिया था, क्या हुआ उनका? मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई तकलीफ है सूर्या की साशा से शादी करने से। तुम बस परेशान हो क्योंकि जिंदगी में पहली बार सूर्या ने तुमसे पूछे बिना कोई डिसीजन लिया है। तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है आला मेलू, तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची है। तुम भूल गई आला मेलू, तुम्हारे लिए मैंने अपना परिवार छोड़ दिया। एक घर की सुरक्षा देने के लिए मैं तुम्हें यहां लंदन लेकर आया। हम अपने बेटे को वैसे ही खो रहे हैं जैसे हमने अपने पेरेंट्स को खो दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। तुम्हें खुश करने की, तुम्हें खुश रखने की मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई आला मेलू। तुम कभी भी एक खुश महिला नहीं बनोगी आला मेलू। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई दया नहीं है, कोई दया नहीं है।
हे डैडी, साशा के पेरेंट्स ने हमें एक शानदार डिनर करवाया। आपको पता है हमारे जाने का समय आ गया है, हम कल रात को यहाँ से निकल जाएंगे। माँ कहाँ है? काफी देर हो गई है, घर बहुत शांत लग रहा है। हाँ बहुत शांत है, आलमेलू बहुत शोर करती है ना। पापा जी माँ कहाँ है? आपने उनसे झगड़ा किया? ओह गॉड, सब मेरी गलती है, मैंने रूड बिहेव किया, वो मुझसे नाराज हैं। साशा मुझे लगता है कि मम्मा कहीं चली गई। मुझे कभी माफ नहीं करेंगी वो, तुम्हें उन्हें ढूंढना चाहिए, नहीं तो देखना आप दोनों उन्हें खो देंगे। सही कह रही हूँ। लॉर्ड विलियम्स, गुड इवनिंग सर। इस समय इतनी देर से क्यों? आलमेलू यहीं कहीं होगी। ओह माय गॉड, यस सर, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ये सब। हाँ कल सुबह, ठीक है सर, चलिए उन्हें चल के लेके आते हैं। रुको 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 रुको, बैठो। साथ बच चुके हैं, हमें चलना चाहिए। मम्मा माँ उन्हें लेकर आते हैं। हाँ चलिए लेकर आते हैं। हाँ बस यहीं रोक दो, यहीं चलो। आओ आओ कम कम, चलिए चलिए, आइए क्विक क्विक क्विक, कम जल्दी चलो, जल्दी करो, आइए कम 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 के, वो यहीं कहीं होगी। आजा आजा इधर, हमें और जल्दी चलना चाहिए। पापा जी प्लीज मेरे साथ आइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ट्रस्ट मी प्लीज। आइए विलियम्स, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें अपने परिवार का ख्याल रखने के बारे में क्या कहा था? हाँ? क्या तुम सुन नहीं रहे थे? क्या तुम सुन नहीं रहे थे? पता है आपका क्या मतलब है, ठीक है, लेकिन आलमेलू कहाँ है? वो वहाँ पर है, ठीक है, मुझे उससे बात करनी है। नो 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 नो, कतार में, कतार में, कतार में, नो 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 नो, कतार से आखिर क्या हुआ? आप भी आइए। क्या हुआ? लेकिन क्या बोल रही है लोग? लेकिन चलते रहो, कुछ मुझे बात करनी है। क्या बात करनी है? आप अपना ट्रॉली बैग लेकर इधर चलिए, आइए आइए चलिए। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये जगह एकदम साफ सुथरी चाहिए। हटाओ ट्रॉली, हटाओ यहाँ से। मेरी बात पर तुम लोग कोई भी ध्यान नहीं देते हो, कोई भी बात सीरियस नहीं लेते हो। सब हटाओ यहां से, मेरी बात पर ध्यान दिया करो। कम से कम ऐसा लगता है कि अब सब कुछ जगह पर आ रहा है। यह शानदार लग रहा है, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा काम किया है, वाकई में बहुत अच्छा काम किया है। बस मुझे एक बार जांचने दो। हाँ, एक बार जांचने दो, वाकई में सब कुछ अच्छा लग रहा है। यस, वेल डन वेल डन। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या हो रहा है। मम्मा कहाँ है? आपके बच्चे नहीं हैं। वो बेटे और बेटियां हैं जो खुद की लाइफ के लिए तड़प रहे हैं।
वो आपके जरिए आते हैं, लेकिन आपसे नहीं, और इसलिए वो आपके साथ हैं। फिर भी वो आपको बिलोंग नहीं करते। आप उन्हें अपना प्यार दे सकती हैं, लेकिन अपने थॉट्स नहीं, उनकी खुद की सोच है। आप उनका शरीर रख सकती हैं, पर उनकी आत्मा नहीं, क्योंकि असल में उनका सोल कल के घर में होता है, जहां आप नहीं जा सकती, अपने सपनों में भी नहीं जा सकती। आप शायद आप उनके जैसे बनने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तलाश नहीं, लेकिन तलाश नहीं, उन्हें अपने जैसा बनाने के लिए, क्योंकि जीवन पीछे नहीं जाता है, ना ही रुकता है कल के साथ। अलमेलू, तुम अंदर हो क्या? अलमेलू माँ प्लीज, अलमेलू प्लीज दरवाजा खोलो, अलमेलू प्लीज मुझे एक और मौका दो, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं प्लीज, मेरे लिए। ओ मेरी डियर डियर वाइफ अलमेलू, क्या तुम मेरे साथ फिर से शादी करके मुझे दोबारा प्यार करने और रोमांस करने का मौका दोगी प्लीज? मौका? तुम्हें इसके बारे में क्या पता है ओइस? ओ प्लीज। क्या? आपके वचन पढ़ूं? हम अपने खुद के वादे पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, तो आगे चलें? मैं माँ का चेम्बू कभी नहीं जलाऊंगी। मैंने किडनैप नहीं किया है इस स्पैनिश लड़की को। मैं सांबर के साथ सालसा कभी नहीं बनाऊंगी। और मैं अपने ससुराल वालों को स्पाइसी सांबर नहीं दूंगा। मैं अपनी वाइफ का ज्यादा ख्याल रखूंगा। और मैं, मुझे क्या करना चाहिए ओएस? तुम कुछ मत करो, तुम जैसी हो बस वैसी रहो। मैं पत्नी से और ज्यादा प्यार करूंगा। शायद मैं मैरिज कंसल्टेंसी खोल सकता हूँ। उम्मीद है कि आप अपने वचन कभी नहीं भूलेंगे। चलो चलते। गले 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 लग जा मिल जाए हम, रब की मर्जी है ये रिश्ते बन गए सनम। गले 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 लग जा मिल जाए हम, ये रंग को देखो, ये दुनिया के रंग है रंग, इस प्यार को पहचानो, पहचानो ये प्यार के रंग, चाहे सांबर चाहे सलसा, गर्म हर एक मसाला, किसका तीखा किसका मीठा, हर एक रूप निराला। Just move your body like that, I'll move my body right back.
We'll have everybody like that dancing in the streets. I know that you're gonna like this. It's contagious, please don't fight it. Everybody else, come try it. Dance and just be free. Hey, drummer, make it hot, oh, oh. Hey, DJ, make it hot, oh, oh. Everybody on the block, wind your body up, wind your body up. Oh, hey, drummer, make it hot, oh, oh. Hey, DJ, make it hot, oh, oh. Everybody on the block, wind your body up, wind your body up. गले लग जा मिल जाए हम रब की मर्जी है ये रिश्ते बन गए सनम ओ गले 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 लग जा मिल जाए हम प्यार का सौदा नहीं होता जब दिल मिल जाए सनम ये इश्क के रंग है ये जवानी के रंग है रंग इन मस्त हवाओं में छोड़िए जी संग निसंग आजा आजा शाम सजा दे खोल दिल का ताला नाचेंगे हम गाएंगे मुस्कुरा के हाथ मिला ले Just move your body like that I'll move my body right back We'll have everybody like that Dancing in the streets I know that you're gonna like this It's contagious, please don't fight it Everybody else, come try it Dance and just be free Hey, drummer, make it hot, oh-oh Hey, DJ, make it hot, oh-oh Everybody on the block Wind your body up, wind your body up Drummer, make it hot, oh-oh Hey, DJ, make it hot, oh-oh Everybody on the block Wind your body up, wind your body up Gale, 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 gale Lag ja, mil jaye hum Rab ki marzi hai Ye rishte ban gaye sanam Gale, 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 gale Lag ja, mil jaye hum Pyar ka sauda nahi hota Jab dil mil jaye sanam Baby, it's about that time. Move with my body, leave the past behind. Take it to the top, then we wind just a little bit. I know you like the way I grind just a little bit. And you know I'll drive you crazy. When I move these hips, you'll be my baby. Don't try to front, cause I'm just too hot. I'ma keep on going till this record stops. Oh, vamos,